रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने गुस्से में आकर के पाकिस्तान की गेंदबाज और कप्तान को धोने में नहीं छोड़ी कोई कसर। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से T20 के मुकाबले में 408 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो आज तक घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज न कर पाए वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। अकेले ही इस बल्लेबाज ने 408 रन ठोक करके ऐतिहासिक पारी खेल डाली और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और SSV जयसवाल कूद पड़े। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से एक चौका और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर खुद कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी हैरान थे। वो समझ चुके थे कि आज यहां पर कुछ तो खास होने वाला है। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कोहराम मचा रहे थे। पाकिस्तान के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो भी पाकिस्तान का घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज आ रहा था वो इनके सामने पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि चौथे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, जहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज के पसीने छूट गए। तो वहीं 21 साल का होनहार बल्लेबाज SSV जयसवाल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाला था। इसने भी अपने बल्ले को लहराते हुए काफी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डट कर बल्लेबाजी की और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 शानदार गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अच्छी लह में बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो कि तूफान सा आ गया हो। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इनका गुस्सा भी साथ में आसमान पर था, क्योंकि वर्ल्ड कप की हार का बदला लेना था और पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले को जीत में जो है बदलना था। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज SSV जयसवाल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को 6वें ओवर की 4थी बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया जब SSV जयसवाल जिसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज 6वें ओवर की 6ठी बॉल पर ही कैच आउट का सामना कर बैठे। SSV जयसवाल काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। SSV जयसवाल के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। शुभमन गिल काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबलों में और वर्ल्ड कप में भी काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। 7वें ओवर में शुभमन गिल ने आते ही 2 चौके और 1 शानदार छक्का ठोक दिया और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। कप्तान रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर के यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 6 गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए, जहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज से लेकर के कप्तान तक यहां पर रोते बिलखते नजर आए। पाकिस्तान के गेंदबाज का और कप्तान का हिटमैन रोहित शर्मा ने करियर ही खत्म कर दिया। इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को चक्कर आने लगे, लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब 9वें ओवर की 4थी बॉल पर 34 रन बनाने के बाद SSV जयसवाल आउट हुए। SSV जयसवाल के आउट होने के बाद टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। विराट कोहली काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं, जो टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी, दिल और जान कहे जाते हैं। विराट कोहली को रन मशीन भी कहा जाता है। विराट ने आते ही मैदान पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 शानदार छक्के ठोक दिए और अपनी शुरुआत काफी बेहतर की। विराट कोहली कप्तान रोहित शर्मा का साथ देते रहे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली जब आउट हुए तो यहां पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया, क्योंकि भारतीय टीम के SSV जयसवाल, विराट कोहली और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का विकेट काफी जल्दी जल्दी चला गया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ताबड़तोड़ तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान का मेन मकसद था कि हिटमैन रोहित शर्मा को कैसे आउट करें, लेकिन रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। हिटमैन रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में तेर तरार बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर इनकी बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़ खड़े होकर के सलाम ठोकने लगे और काफी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करने लगे।
तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए विराट कोहली तो शुभम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। सीएसके के घातक विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने आईपीएल में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, शिवम दुबे ने आते ही चौके से शुरुआत की और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने शुरू कर दी। शिवम दुबे का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। 12वें ओवर की 6 गेंदों पर शिवम दुबे ने 2 चौके और 2 शानदार छक्के ठोक दिए। शिवम दुबे की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा अभी भी पाकिस्तान के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। जी हाँ, 14वें ओवर तक जाते जाते हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ पर 280 रन ठोक दिए, यानी कि 14वें ओवर तक अकेले इस बल्लेबाज ने 280 रनों की नाबाद पारी खेल डाली, जो काफी ज्यादा नामुमकिन सा लग रहा था। पाकिस्तान के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। पाकिस्तान के गेंदबाजों को ऐसा लग रहा था कि कोई खिलौना यहाँ पर या रोबोट बल्लेबाजी कर रहा हो। आप सभी को बता दें कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं सूर्य कुमार यादव जो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए। सूर्य वो आंधी है वो तूफान है जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा का साथ दिया, क्योंकि रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे 300 रन रोहित शर्मा पार कर गए और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और अभी भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 शानदार छक्के ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में फिर एक बार 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुनते 6 छक्के ठोक दिए, लेकिन हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा 17वें ओवर की 4थी बॉल पर आउट हुए। लेकिन हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने 408 रनों की नाबाद पारी खेल डाली, जहां पर पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कई दिग्गज से दिग्गज महान खिलाड़ियों ने हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को सलाम ठोका और देश दुनिया का सबसे बड़ा महान बल्लेबाज बताया। आप सभी को बता दें, हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर सूर्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। रिंकू सिंह काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह को दूसरा महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 शानदार गगन चुंबती छक्के ठोक दिए और सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। इन लोगों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेलनी शुरू कर दी और पाकिस्तान के गेंदबाज कप्तान बाबर आजम को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली। तो वही रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 19वें ओवर के 6 गेंदों पर 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। तो वही 20वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 6 गेंदों पर लगातार गगन चुनते 6 छक्के ठोक दिए। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने 83 और रिंकू सिंह ने 64 रन ठोक दिए। मैच 4 ओवरों के भीतर ही दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक तरीके से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया जो है पाकिस्तान की टीम के सामने। जब पाकिस्तान की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, रविंद्र जडेजा ने पहले 1 ओवर में 2 विकेट चटका दिए। मोहम्मद सिराज ने 3रे ओवर में 2 विकेट चटका दिए। जब बुमराह आए तो बुमराह ने 8वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए, जहां पर भारतीय टीम के घातक विस्फोटक गेंदबाजों ने पाकिस्तान की टीम को 18 ओवरों के भीतर ही समेट दिया। यहां पर भारत ने इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लिया। भारत वर्सेज पाकिस्तान के बीच एक यह वार्म मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चल करके होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।